असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें बसमान रहीम प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ से होंगे अल्लाह पाक आपको सेहत और अता फरमाए आज का जो अमली ख़ास है ला अल्लाह के परी मोकल का अमल चंद लम्हों में ये परी और मोकिल हाजिर हो जाते हैं लेकिन कभी भी इनसे ग़लत बात नजायज़ काम या किसी गुनाह के लिए कभी ना कहें ख़ास तरीका समझाऊंगी गौर से सुने अगर आप अमलियात सीखना चाहते हैं आमिल बनना चाहते हैं अल्लाह के वली बनना चाहते हैं तो मैं आपकी बहन जितना हो सके मरने से पहले आप तक ये तमाम इलम जौन है वो पहुँचा जाऊँ ताकि आप तावीज़ गंडों में ना पड़ें बल्कि अल्लाह के क़लाम से मदद हासिल करें परी क्या मोकिल क्या इससे भी बड़ी अगर कोई मखलूक होती तो अल्लाह के ये कलाम काफ़ी हैं सबसे पहले आहदीस से शुरू करते हैं और ये हदीस गौर से सुने बहुत ख़ास हदीस है और इस अदीस का फ़ायदा मैं आपको साथ में समझाऊँगी आप ने शाद फरमाया जब अंधेरा छाने लगे रात की तारीख ही होने लगे तो अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया करो इस वक्त शयातीन का गलबा बहुत तेज़ी से फैला होता है जब इशा की पहली सात गुज़र जाए तो यानी कि जो मगरिब और इशा जब मगरिब जब सूरज मुंतकिल हो रहा होता है ढल रहा होता है ठीक है उस वक्त की बात की जा रही है अल्लाह का नाम लेकर घरों का दरवाज़ा बंद करो और अल्लाह का नाम लेकर अब जो घरों में पहले चराग होते थे ठीक है तो चरा को बढ़ा दो यानी उसकी रोशनी तेज़ कर दो शयातिन का गलबा बहुत तेज़ी से होता है और अल्लाह का नाम लेकर बर्तनों को ढाँप दो जो बर्तन नहीं ढापते उस पर शयातिन आकर बैठते हैं अब थोड़ा सा इस बारे में समझें कि शयातिन जन्ाद ठीक है ये सब जो उनसे है ना ये भी अपने अपने कामों के लिए निकले होते हैं और रात को मगरिब और रिशा के दरमियान ये अपने, अपने अपने घरों को लौट रहे होते हैं जैसे परिंदे लौट रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा उस वक़्त दिन रात में मुंतकिल हो रहा होता है इस्लामिक दिनों के हिसाब से मगरिब की जो मगरिब का जो टाइम होता है ना वो अगला दिन शुरू हो जाता है इस्लामिक दिन के हिसाब से इस्लामिक तारीख के हिसाब से ठीक है हाँ अंग्रेज़ी हिसाब से इंग्लिश हिसाब से 12 बजे के बाद मुंतकिल नहीं अल्लाह के हिसाब से मग़रिब के वक्त का टाइम जब स्टार्ट होता है तो सूरज जब तलू जैसे होता है ना सुबह के टाइम इसी तरह गरूब भी होता है तो फिर उस वक़्त दिन जो वो ढल जाता है और अगले दिन में मुंतकिल हो जाता है उस वक्त परी मोकिल और बहुत सारी ऐसी मखलूक जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते लेकिन अल्लाह के इस कलाम की बरकत से हम देख सकते हैं तो आप इसको देख सकते तरीका जुमे का दिन रखें ठीक है द्रूशिफ़ दो बार नमाज पबंदी तैतीस बार लाख मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहला कलमा लाइव वीडियो आठ बजे पोस्ट की जाएगी अमलियात सीखें आमिल बने खुद की मदद खुद करें जब हम इस अमल को करते हैं पहले कलमे को तो पहले इसकी सही तरह तरीक़ेकार सुन लें परहेज़ इसमें नहीं है अगर कोई आपको अबारत या कोई और मतलब के दिया जाएगा जिसमें परहेज़ लाजिम होगा तो बता दिया जाएगा इनमें परहेज़ नहीं है जैसे अल्लाह के अरबी जैसे होती है ना तो उसमें परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती तो अब आपनी पढ़ना कैसे हैं पहले तरीका पढ़ने का सुने लख मद रसूल्ला परी पर हाजिर कर हाजिर कर हाजिर शो ठीक है फिर से एक दफ़ा गौर से सुने लख महमदस परी पर हाजिर कर हाजिर कर हाजिर शो अगर आप परी को हाजिर नहीं करना चाहते तो मोकिल को हाजिर करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे परी की जगह मोकिल आ जाएगा ठीक है सिर्फ़ इस हिस्से को बदलिएगा मोकिल पर हाजिर कर हाजिर कर हाजिर शो अब आपने ये लफ्ज़ जोन से हैं दोहराने हैं रात को सोने से पहले तैतीस मरतबा सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ें खामोशी से सो जाएं सोने से पहले ये पहले। आप यकीन माने ख्वाब में आपको हाज़िरी होती है ये मेरा ख़ुद का अमल है परी मकिल की हाजिरी ख्वाब में होती है और आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं ख्वाब में जो आपने कभी पहले कभी भी नहीं देखी होती ये ख़ास तरीका ये जिसकी ख्वाहिश है ना परी देखने की मोकिल देखने की उनकी दुनिया देखने की ये अमल करता करता सो जाए तो एक तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर उनको आपका इखलाक पसंद आ गया उन मखलूक को या आपसे मोहब्बत हो गई क्योंकि वो तो ख़ुद आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं जो अल्लाह के आप सूरी पूरी, -पूरी जमात आती होती थी परी मोकिल की और जन्तों की ठीक है पूरी पूरी जमात कुरान पाक सुनने आती होती थी पढ़ने आती होती थी याद करने आती होती थी उनके आसुस की बात हज़रतली के पास आती थी तो ये चीज़ें जो सी हैं आप ज़रूर करें रात को पढ़कर सो जाएं और अगर कोई दिल में काम है कि सुबह आपने किसी से पैसे लेने हैं सुबह आपने किसी से बात करनी है कोई इम्पोटेंट रिश्ते की बात करनी है सुबह आपने कोई जॉब पे जाना है तो वहाँ पर किसी से काम है आपका कारोबार नहीं चल रहा आपका रिस्क नहीं आ रहा आपकी कोई भी हाजत परेशानी है तो दिल में अल्लाह का जब ये वाला कलाम पढ़ें और परी के बारे में बात करें तो आपने ना अपना मकसद भी बयान करना, सुबह तक आपका मकसद इन हल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से परी मोकिल से नजायज़ बात नहीं करते कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करते बहुत से जो आमिल अमलियात सीख रहे होते हैं ना वो नजायज़ लोग कहते हैं नजायज़ काम क्या नजायज़ काम होता है अल्लाह से डर नहीं लगता क्या ना तो हम तब हम करें ना कि हम इतने बड़े हो जाएं, अल्लाह से डरना चाहिए खौफ करना चाहिए अपनी रब से उसी ने बनाया है ना आपको भी तो किसी को नुकसान पहुंचाना, कहाँ का इंसाफ है कहाँ के मुसलमान हैं आप लोग तो बहुत से आमी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं जादू टूने ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो बस्तवर तो अल्लाह पना है बस वो अल्लाह पाक उनको हदायत दे बस यही कहूँगी गलत काम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं गलत करते हैं अच्छा अब बहुत से ये नक्श के बारे में बात कर लेते हैं बहुत से लोगों का काम नहीं होता जिस दिन आपने फ़तः याबी लेनी है ना कुछ भी काम है और आपने फतह हासिल करनी है इस नक्श को आप अपनी बाज़ू पे बांध लें अपनी पॉकेट में रख लें ये पहले कलमे का नक्श बाबरकत नक्श है आप एक दफ़ा इसका भी इस्तेमाल करके देखें जिसके पास ये नक्श होगा ना वो अमीर तरीन इंसान होगा दुनिया का रिस्क के हवाले से बीमारी है तो चीनी के चीनी लें चीनी की एक टेम इस नक्श को रख दें ऊपर फिर चीनी मतलब के डाल दें उस घर में कभी बीमारी नहीं आ सकती उस घर में कभी फाका नहीं आ और चीनी को रखना किचन में ही है बावरची खाने में ही रखना है आप यकीन माने रिस्क रिस्का आएगा आपके पास आपकी सोच है ये बहुत अमल है ठीक है जब आपने परी मुक्कल से मिलना है तो ये अमल करना है जब अपने अपनी मकसद के लिए करना है रिज्क के लिए दौलत के लिए पैसे के लिए हाजात के लिए परेशानी के लिए कोई मकसद है आपका रात को नक्श अपने अपने तकिए के नीचे भी रख कर सो जाएंगे सुबह आपका काम हो जाएगा इतनी ताकत है अल्लाह के नाम की यह बात हमेशा याद रखो तो ये नक्श मैंने आपको बनाना सिखाया है बिल्कुल आराम से आप बनाएं पहले ये खाने बना लें इसके बाद ल अः अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह ठीक है यहाँ ये देखें अलीफ़ ब जीम ये नक्श बहुत बाबरगद है हम जो मे, जो मेरे वाले साहब थे वो अंगूठी के ऊपर भी अगर आप इसको बनाकर नक्श लेना तो मैं कहती हूँ कि मेरे वाले साहब के पास अंगूठी का ये नक्श था तो वो कभी भी कभी भी उनको कभी किसी किस्म की तकलीफ़ बीमारी परेशानी नहीं आई फिर ये गुम हो गई थी एक दफ़ा तो आप इसको अंगूठी पर बनाकर भी अगर पहन लेंगे तो हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा अहतराम करेगा और आपसे इतना मानूस हुआ करेगा इतना आप जिस जगह जाओगे फ़तेह याबी है जिस जगह गए आप आपको फ़तह मिलनी है इन शे ये नक्शा बना अगर बहुत मतलब कि पैसों की कमी है बच्चे बच्चे जाते हैं तो वो ये नक्श पता क्या करें वो अपनी अपनी पॉकेट में रख लें ठीक है अपनी ख़ुतान अपने पर्स में रख लें यकीन माने उन उनके पर्स में भी पैसा कम नहीं होने वाला जो बच्चे घर में काम नहीं मान कहना नहीं मानते ना फरमान है पढ़ाइयों में ना फरमाना है और बहुत तंग करते हैं माँ बाप को बहुत तंग करते हैं ये नक्श का पानी उनको पिला दें उनके गले में डाल दें जिनको जादू जिन्नात नज़र बद असेब का मसला हो वो ये नक्श इस्तेमाल कर लें सिर्फ गले में डाल लें बस बनाकर कर तीन दिन डालें बीमारी ख़त्म परेशानी ख़त्म दर्द ख़त्म दुख खत्म तकलीफ़ें ख़त्म इस नक्श की जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ कम है और मैं मदरसे में भी माशाल्लाह इसी चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के लिए आप भी ज़रूर करें इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दें याद सीखना चाहते हैं तो रोज़ाना वीडियो ज़रूर देखा करें से सुना करें ताकि आमिल बन सकें इजाज़त ज़रूर लिया करें सबसे पहली बात है इजाज़त लेना ज़रूरी है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ जजाक लैकम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप, आप फेसबुक को फॉलो कर सकते कर है हैं है 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 और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी कर सकते हैं जैसा कर और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रहा करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला